नमस्कार साथियों, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं उनका टाइम टेबल पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, संशोधित मतलब पूरा टाइम टेबल इसका चेंज हो चुका है। दूसरा टाइम टेबल आया साथियों, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होने वाले हैं। मतलब जो विद्यार्थी जिस प्रकार से तैयारी कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं होंगे। अब जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है चेंज हो चुका है, आपके सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ चेंज हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट टाइम टेबल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो एग्जाम पे टाइम टेबल दिया गया 10वीं व 12वीं दोनों को चेंज हुआ है। आप मिला लीजिएगा एक बार, क्योंकि आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन उस विषय का पेपर भी नहीं होगा, किसी भी विषय का पेपर हो सकता है, इसलिए टाइम टेबल आप पहले मिला लीजिए। डेट यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे 12th क्लास का टाइम टेबल है, यहाँ पे 10th का टाइम टेबल है भाई। तो यहाँ पे 5 तारीख मंडे के दिन आपका हिंदी का पेपर होगा 12th क्लास में, और 10th में सिंधी का पेपर होगा। 6 तारीख को गृह विज्ञान का यहाँ पे 12th क्लास में होगा, और 10वीं में आपका होगा राजस्थानी का। बात करते हैं 7 तारीख को आपका एग्जाम होगा चित्रकला का, 12वीं क्लास में किसका होगा साथियों, चित्रकला का, और 10वीं में आपका होगा गणित का, और 8 तारीख को पर्यावरण विज्ञान का 12वीं में होगा, और 10वीं में आपका डाटा एंट्री का होगा। 9 तारीख को आपका समाजशास्त्र का होगा 12वीं में, और 10वीं में आपका मनोविज्ञान का आपका होने वाला है। 10 तारीख को आपका मनोविज्ञान का 12वीं में होगा, और वहाँ पे 10 तारीख को आपका 10वीं क्लास में पंजाबी का पेपर होने वाला है। बात करते हैं 12 तारीख को आपका अर्थशास्त्र का एग्जाम होगा 12वीं क्लास में, और 10वीं क्लास में आपका उर्दू का एग्जाम होने वाला है। ये टाइम टेबल आपका यहाँ पे देख सकते हो भाई। यहाँ पे मैं बात करें 13 तारीख को आपका संस्कृत का एग्जाम होगा, 13 तारीख को संस्कृत का एग्जाम होने वाला है, और 10वीं में किसी भी पेपर का पेपर नहीं है। 14 को आपको गणित का होगा 12th क्लास का, और 15 को आपको उर्दू का होगा, 16 का लेखा शास्त्र, 17 को आपको भूगोल का होगा, 10वीं में व्यवसायी अध्ययन का पेपर होने वाला है। 28 को आपका भूगोल का होगा साथियों, 28 का आपका भूगोल का एग्जाम होगा, और 29 तारीख को आपको जीव विज्ञान का होगा, और 10वीं में आपका चित्रकला का एग्जाम होने वाला है। 30 तारीख को डाटा एंट्री का 12वीं में होगा, और 10वीं में आपका एग्जाम होगा 30 तारीख को भारतीय संस्कृति विरासत का, और 31 को आपका रसायन विज्ञान का होगा, और 12वीं 10वीं में होगा आपका सामाजिक विज्ञान का, और 2 तारीख को आपका यहाँ पे एग्जाम होगा भौतिक विज्ञान का, और 10वीं क्लास में गृह विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। आगे बात करते हैं साथियों, आगे भी आपके इतिहास के भी एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं। 12वीं क्लास में इतिहास का 3 तारीख को होगा, और 10वीं में अर्थशास्त्र का होगा, 4 तारीख को आपको व्यवसाय अध्ययन का होगा, और 10वीं में आपका अंग्रेजी का होगा 4 तारीख को, 5 तारीख को राजनीतिक विज्ञान का, और यहाँ पे जो पेपर है 5 तारीख 10वीं क्लास का संस्कृत का होगा, और 6 तारीख को आपका अंग्रेजी का होगा, 10वीं में विज्ञान का होगा 6 तारीख को, और 7 तारीख को आपको 12वीं क्लास में कंप्यूटर विज्ञान का, और 10वीं में आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है। तो इस प्रकार से ये आपके राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, और ये आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, 12वीं के और 10वीं के, तो इनके बीच इन तारीख के बीच में हो सकते हैं कभी भी। आगे बात करते हैं साथियों, अगर ये आपको पूरा टाइम टेबल की PDF चाहिए तो मेरे WhatsApp ग्रुप से जरूर जुड़े, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप मेरे WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।